अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटे गोश। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टमाटे गोश बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ली हूँ 1.25 किलो मटन और थोड़ी कोथमीर, 2 प्याज मीडियम साइज़ के और 6 टमाटे लिए हैं मीडियम साइज़ के और 2 हरी मिर्ची और 1 कप ऑयल है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। ये रेसिपी बहुत आसान है, आप ज़रूर एंड तक देखिए। 2 डली जो प्याज लिए थे ना, वो कट करके ऐसे टैप में रख लिए, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले कुकर रखेंगे, उसके बाद 1 कप ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें अब प्याज डालेंगे। प्याज को हमें एक ब्राउन हुए तक भून लेना है 2 मिनट के लिए, जब तक हम टमाटे जो कट करके रख लिए हैं, 6 टमाटे लिए थे ना, वो कट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं ऐसे टाइप में कट करके रखे हैं। अच्छा, हरी मिर्ची को कट करके रख दिए, कोथमीर को भी कट करके रख दिए, आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो गई हमारी। अब हम मटन डाल देंगे इसमें। मटन डाल दिए हम, अब अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और 5 मिनट के लिए अच्छा भून लेंगे हम अदरक लहसुन को। इसके बाद अब हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाल देंगे हम। आप अपने हिसाब से नमक मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छा भून लेंगे हम सुखा इसमें मिर्ची नमक में। इसके बाद पानी डाल देंगे गिलास गोश्त गलने के लिए। दो सीटी लगा देंगे हम। अब हम गोश्त गलने के लिए 2-3 सीटी लगा देंगे। दो तीन सीटी होने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा गोश्त गल चुका है। अच्छा, हम भून लेंगे अब ये प्याज को। इसके बाद हम टमाटे डाल देंगे, जो 6 टमाटे लिए थे ना, कट करके रखे थे ना, वो डाल देंगे। अब इसको ढाप कर 10-15 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पर। दस पंद्रह मिनट ढाप कर पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे टमाटे अच्छे भुन चुके हैं। और 10 मिनट रखेंगे और सूखने के लिए ढाप कर। दस पंद्रह मिनट और भुनते जाना है। 2-3 बार ऐसी ढाप के भुने हम। अच्छा, आप भून लिए टमाटों को। अब कोथमीर हरी मिर्ची डाल देंगे और 10 मिनट पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं, देखिए टमाटे गोश हमारा तैयार है मटन में। आपको अच्छा सूखे तक अच्छा भूनना है, पूरा सूखे तक। आपको मेरे रेसिपीज़ कैसे लगते हैं कमेंट में बताइए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।